आपकी अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट है एंड यू हैव नेवर हैड सेक्स बिफोर, तो आपको थोड़ा टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा. यू माइट बी स्केर्ड, वरीड एंड एंग्शियस. डोंट वरी, वी आर हियर टू डिस्कस इट ऑल. सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपकी चेकलिस्ट पे क्या क्या होना चाहिए. पहला है कंसेंट. सेक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों लोगों का कंसेंट होना. शादी होने का ये मतलब नहीं है कि कंसेंट की जरूरत नहीं है. कंसेंट मैटर्स इवन इन अ मैरिज. यू डोंट हैव टू डू इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू. हैव सेक्स व्हेनेवर यू फील सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी अराउंड योर पार्टनर. सेक्स विदाउट कंसेंट इवन आफ्टर मैरिज इज रॉन्ग एंड इज कॉल्ड मैरिटल रेप एंड इट इज अ रियलिटी. And although it's not a criminal offense yet, it is definitely not something that any woman should tolerate. Dusra hai comfort. You don't have to do it on the first night. Penetration ke alawa bhi kafi tarah se log intimate ho sakte hain. So make sure ab apne partner ke saath comfortable ho. Next is communication. Aap ek dusre se baat karo about how you're feeling, about your expectations, preferences towards it. Isse guesswork or misunderstandings hat jayengi aur trust build hoga. Now one of the most important step is contraception. If you don't want to have children immediately after getting married, तो आप contraception use कर सकते हो. Best contraception method is condoms. या तो आप अपने partner को condom use करने के लिए बोल सकते हो या आप खुद use कर सकते हो. Yes, you heard it right. There is something called female condoms. It is very similar to male condoms and वो vagina के अंदर पहना जाता है. वो sex के time sperms को uterus में जाने से रोकता है. सेक्स के बाद यू कैन रिमूव इट इजिली बाय पुलिंग इट फ्रॉम द रिंग प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ इट. यू डिजर्व टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेक्सुअल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आप हमेशा इसको अपने पास हैंडी रख सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सप्लोर योर बॉडी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर बॉडी वेल, वॉट यू लाइक, वॉट यू डोंट, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द सेम टू योर पार्टनर एंड हैव अ सेटिस्फैक्ट्री सेक्स लाइफ. आपका ऑर्गेजम एंड प्लेजर भी उतना ही मैटर करता है जितना आपके पार्टनर का. Remember that your first time is not likely to be your best time, but अगर आप अपने partner के साथ kind, gentle and honest हैं, then it can be a sweet and fun experience. It's like a practical experience जो धीरे-धीरे ही समझ आता है. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.